Please subscribe to my channel RKI Studies and also press the bell icon to get the notifications instantly whenever I upload a new video on my YouTube channel. Hello and welcome again to my YouTube channel RKS Studies Indian Constitution. Indian Constitution का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है वो आज भी कंटिन्यू है और आज इस पे लास्ट लेक्चर है ये. इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कंप्लीट हो जाएगा. हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले हमने पढ़ा कि फर्स्ट पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री हमने पढ़ ली. उसके बाद हमने फॉर्मेशन मतलब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, किस तरह से बनाया गया, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई. अब जो नेक्स्ट आज का लेक्चर है पार्ट नंबर थर्ड में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने वर्क किया उसके बारे में हमारा आज का टॉपिक रहेगा. तो चलें आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई. अब जब असेंबली बनती है तो मीटिंग्स तो होंगी. तो जब असेंबली बनी तब मीटिंग्स में सबसे पहले जो मीटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 में हुई. पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. इसमें 211 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, जिन्होंने एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना. टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना थोड़े टाइम के लिए, जिसका नाम था सचिदानंद सिन्हा. एस सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा. ओके, अब दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 में. फिर से मीटिंग हो रही. इस मीटिंग में दो दिन बाद हो गई मीटिंग. तो एक चीज यहां पे है कि इसमें एस सिन्हा को रिमूव कर दिया गया. पहले 9 दिसंबर 1946 में जो मीटिंग हुई थी उसमें प्रेसिडेंट चुना गया उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट सिर्फ दो दिन के लिए. उसके बाद जब दूसरी 11 दिसंबर 1946 में दूसरी मीटिंग होती है तब एस सिन्हा को रिमूव कर दिया गया और प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया परमानेंट. और इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर दो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो थे मुखर्जी और कृष्णमाचार्य. फिर थर्ड मीटिंग, तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को. एक और मीटिंग हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा और बोले कि इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को देखकर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. कॉन्स्टिट्यूएंशल असेंबली ने भी इसे माना, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना उसने इसको 22 जनवरी 1947 को मान भी लिया, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली के सामने रखा. अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो असेंबली ने सोचा कि जिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखकर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला ही नहीं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए ना. और इस तरह असेंबली ने फर्स्ट पेज पर ही रेजोल्यूशन को डाल दिया. जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया ना असेंबली के सामने रखा था तो उसको फर्स्ट पेज पर डाल दिया. लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने के बाद जब उन्हें याद आया ना असेंबली को कि भाई ये भी होना चाहिए तो उसको फर्स्ट पेज पर डाल दिया गया. लेकिन इसको मॉडिफाई करने के बाद ये याद रखना उसमें मॉडिफिकेशन लाई गई. इसे ही तो आज हम प्रीएम्बल कहते हैं. ये जो ऑब्जेक्टिव था ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसे मॉडिफाई करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, आज हम उसे प्रीएम्बल कहते हैं. इसे प्रीएम्बल नाम ही क्यों दिया गया इसका एक रीजन है मैं बताता हूं आपको. देखो यूएसए में जब देखा गया ना तो वहां भी इसका नाम प्रीएम्बल था, उसका नाम प्रीएम्बल था. तो इन्होंने सोचा यूएसए प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहिए, मतलब टाइटल हमें वहां से मिल गया. अच्छा एक बात याद रहे कि इसमें जो चीजें लिखी गई थी वो हमारी इंडिया की थी, वो वही थी जो हमारी थी, लेकिन सिर्फ एक टाइटल ही लिया गया वहां से यूएसए से. ओके, इसलिए इसको प्रीएम्बल का नाम दिया गया. आज कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं और इसके अलावा 104 आज तक अमेंडमेंट्स भी हो गई. देखो इसमें 103 और 104 जो है ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 103 जो हुई थी ना अमेंडमेंट वो 2019 में हुई थी
और जो 104 है वो 220 में ही हुई है, तो ये अमेंडमेंट्स जरूरी हैं लास्ट वाली। तो या मैं एक चीज़ बता दूँ कि कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कब हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कब हुआ। देखो चाहे अडॉप्ट पूछा जाए, इनेक्ट पूछा जाए, फॉर्मेशन उसकी पूछी जाए, तो ये एक ही डेट होगी, 26th नवंबर 1949 ये स्टेट को अडॉप्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, फॉर्म हुआ। अगर पूछा जाए एनफोर्स कब हुआ, 26 जनवरी 1950 में एनफोर्स हो गया। जब से ये लागू हो गया तो 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ, मतलब जब से ये फोर्स में आया, वो रिपब्लिक डे है ना, तो रिपब्लिक डे में कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया, बना पहले था, बन के कंप्लीट पहले हो गया। ये कंप्लीट 26th ऑफ नवंबर 1949 को हुआ और 1950 26th ऑफ जनवरी में एनफोर्स हो गया, इतना काफी है। एक्चुअली लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, दिसंबर 1929 में हुआ था लाहौर सेशन, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा इस सेशन में कि आज के बाद जब भी 26 जनवरी जब भी आएगा तो वो दिन मनाया जाएगा पूर्ण स्वराज डे। सो 26 जनवरी 1930 मनाया जाएगा एज पूर्ण स्वराज डे, और ये फर्स्ट डेट थी। इसके बाद हर साल, मतलब टोटल इंडिपेंडेंस डे, इसका मतलब स्वराज का मतलब ये हो गया ना, तो स्व का मतलब होता है अपना, स्व और राज क्या हो गया, राज हो गया अपना, राज पूर्ण क्या हो गया, पूरे तरीके से अपना राज होगा, मतलब टोटल इंडिपेंडेंस होगी। मतलब हर साल 26 जनवरी 26th ऑफ जनवरी एज अ टोटल इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा उसके बाद 1930 के बाद हर 26 जनवरी। यहां तक समझ आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक्चुअली ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया था, उस ड्राफ्ट को पास किया गया, साइन किया गया, प्रेसिडेंट ने भी साइन किया। कौन प्रेसिडेंट थे उस टाइम, बताइए जरा, उस टाइम प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस ड्राफ्ट पर 284 मेंबर्स ने भी साइन किया और कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, बनकर कंप्लीट हो गया 26 नवंबर 1949 में, लेकिन अभी भी वो एनफोर्स नहीं हुआ, फोर्स में नहीं आया। बनना, देखो बनना और फोर्स में लाना कॉन्स्टिट्यूशन को, इसमें फर्क है ना। सो 26 जनवरी 1949 बन गया और 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुआ, ये तो क्लियर है। इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था 1935 वाला, ये दोनों खत्म कर दिए गए। अब तो इनकी जरूरत नहीं ना, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम कर रहे थे 1935 वाला पहले से, और उसके बाद 1947 वाला एक्ट आ गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो ये काम कर रहे थे, अब तो ये खत्म हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कि जो 1947 में जो था ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसमें जो चेंजेस आई ये क्या थी, कैसे आई, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। अब जब एक्ट बना, कौन सा, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, तब प्रिंसली स्टेट्स ने और मुस्लिम लीग ने भी ज्वाइन होना शुरू कर दिया। फिर से मुस्लिम लीग ने भी बॉयकॉट किया था ना, यस, पहले तो मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था जब 73 सीट्स लेकर, मैंने कल ही बताया था। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने सबसे पहले बोला कि अब तो हम सवेरियन है, ब्रिटिश का कोई भी लॉ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट भी हम कर सकते हैं। जहां तक अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दो बॉडीज बनाई गई, एक थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ही दो आगे बनाई गई, दो कमिटीज, दो अलग अलग बॉडीज बनाई गई उसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक और दूसरी बनाई गई लेजिस्लेचर बॉडी। जो लेजिस्लेचर बॉडी है हमें पता, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी, तो ये कानून बनाने के लिए बनाई गई लॉ मेकिंग बॉडी है, तो इसे डोमिनियन लेजिस्लेचर भी कहा गया। क्यों, क्योंकि अभी इंडिया तो डोमिनियन था ना, मैंने कल बताया था कि 1947 को हम पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट तो नहीं हुए ना, 1950 में हुए थे, 26 जनवरी जब रिपब्लिक हुए तभी तो पूरे तरीके से फ्री हुए थे ना हम, तो ये दोनों बॉडीज जो हैं
कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और लेजिस्लेचर बॉडी, दोनों का सेपरेट काम है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और लॉ बनाती है, एक अलग अलग तरीके से ये काम करती हैं, अलग अलग डेज में काम करती हैं, ये दोनों बॉडीज सेपरेटली काम कर रही थी। अब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है ना वो तो खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई? ये इसलिए खत्म हुई क्योंकि 26 नवंबर 1949 में ये हमने पहले ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, और हमने कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो थी ये क्यों बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो तो बन गया इसलिए ये खत्म हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था उसके, जो कि अब बन गया था, ओके। लेकिन लेजिस्लेचर बॉडी जो थी ना दूसरे वाली, वो खत्म नहीं हुई थी क्योंकि इसको क्या काम करना था, इसको तो आगे लॉ बनाने थे ना, पार्लियामेंट बनाना था, लॉज बनाने थे। तब तक जब तक कि पार्लियामेंट ना बन जाता, पार्लियामेंट बना 17 अप्रैल 1952 तक ये रही लेजिस्लेचर बॉडी, ओके। क्योंकि 1951 और 52 में जैसे हम जानते हैं कि इलेक्शन हुए थे ना, और मई 1952 में पार्लियामेंट बन गया था, पार्लियामेंट मई 1952 मई में पार्लियामेंट बन गया था, ओके। तो इसके बाद अब इस सब काम को करने के लिए 8 मेजर कमेटीज थी। इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है। यह कमेटी बनी 29 अगस्त 1947 को। इसके 7 मेंबर्स थे। हेड इनमें भीमराव अंबेडकर, बीआर अंबेडकर ही थे, चेयरमैन भी वही थे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। और दूसरे जो मेंबर्स थे ना, उनमें थे सबसे पहले गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, कृष्णाचार्य जिसके बारे में पहले भी हमने पढ़ा, और सैदुल्ला, के एम मुंशी, के एम मतलब कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, के एम मुंशी महादेव। ये कितने हुए? ये तो 6 हुए ना, तो 6। और एक और कौन थे? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन, वो है भीमराव अंबेडकर। तो एक वो हुए, 6, ये टोटल 7 मेंबर्स थे। इस तरह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। इसी के साथ हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको अगर कहीं ऐसा लगता है कि कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप ज़रूर पूछिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊँगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।